एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब सुर्खी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से की। देखिए खास रिपोर्ट। सुर्खी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में की सभा। सिंधिया ने दिग्विजय और कमलनाथ पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक की सभाएं जारी है। वहीं मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट सुर्खी के जैसी नगर में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि इस जोड़ी के साथ मैंने 20 साल बिताए हैं। क्या लाजवाब जोड़ी है, एक बड़े भाई हैं तो दूसरे छोटे भाई। लाजवाब, क्या लाजवाब जोड़ी, एक है बड़े भाई, एक है बड़े भाई, क्या जोड़ी। आजकल मैंने सुना है दोनों जोड़ियों के बीच में अभिभाषक पहुंच चुके हैं। दोनों बड़े बड़े नेता हैं, एक है पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा भी है पूर्व मुख्यमंत्री। दो दो पूर्व मुख्यमंत्री, पर आजकल दोनों के बीच में अभिभाषक पहुंच रहे हैं। अब आपको मुझे पूछना है क्यों? वो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मंच से एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है, सुन लो भैया, मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी है इनको, जितनी भी गालियां मुझे मिल रही हैं वो इन ये बटोरे। कभी सुना है पूर्व मुख्यमंत्री एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है, सुन लो, मैंने तुमको अपनी पावर अटर्नी दे दी है, जनता मुझे कितनी भी गाली दी दे, मैं नहीं लूंगा, आप ही लेना। और बात यहां नहीं थमती, टिकट वितरण में जो सट्टा किया जाता है, लेन देन किया जाता है, बड़ा भाई कार्यकर्ताओं से मिलता है और कहता है मैं भी सहमत हूं, फलाने को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा सुन लेना, जाके दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ देना। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब सुर्खी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सुर्खी।